कहते हैं अगर कोई मन से ठान ले तो हर मंजिल आसान है। ऐसे ही सनावत के समीप ग्राम पडलिया से नांगलवाड़ी धाम तक ध्वज चढ़ाने जा रहे पैदल यात्रियों का ग्राम सेगांव में स्वागत किया गया। ग्राम पडलिया से रामकरण यादव, जो कि प्राथमिक शिक्षक होने के साथ ही दिव्यांग भी है, एवं उनके साथ एक बुजुर्ग साथी अपनी बाबा भिलटदेव के प्रति आस्था और विश्वास रखते हुए जगत कल्याण और देश व प्रदेश की सुख समृद्धि की कामनाओं के साथ लगभग 93 किलोमीटर की पैदल यात्रा, जो कि दिनांक 26 दिसंबर से शुरू होकर नव वर्ष में 1 जनवरी 2022 को बाबा भिलटदेव शिखर धाम पर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होगी। यात्रा के नगर आगमन पर नगर पटेल राकेश पटेल के निवास पर स्वागत किया गया। श्री यादव ने बताया कि मेरी अब 5 दिवसीय पैदल यात्रा बाबा भिलटदेव के दरबार में प्रसादी व आरती के बाद ही पूर्ण होगी और मैं ये चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें व कोरोना ओमिक्रॉन जैसी बीमारी जल्द ही खत्म हो। 93 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लोगों का अच्छा सहयोग व स्नेह मिला है। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये यात्रा क्यों की जा रही है? ये यात्रा मेरी निजी यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। आस्था और बाबा नांगलवाड़ी वाले भिलटदेव की आस्था के ऊपर है। और जब से ये मंदिर बना है हमेशा गाड़ी घोड़े से आते रहते हैं, बाबा के दर्शन होते रहते हैं। लेकिन मंदिर बना इस खुशी में मुझे लोग हमारे यहाँ जब समाज के लोगों ने बीड़ा उठाया कि शिखर पे मंदिर बनाएंगे तो हंसी उड़ाते थे। जब 5,000 रुपये के 5,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया तो मजाक बनाया गया कि कैसे शिखर पर मंदिर बनेगा। मंदिर करीबन 2-4-5 साल से बना हुआ है। तो इस खुशी में और इस महामारी को देखते हुए जगत के कल्याण के लिए मैं प्राथमिक शिक्षक हूं और मैंने मेरी निजी यात्रा निकाली है और बाबा के सोचा कि एक बार पैदल चलकर दर्शन करना चाहिए। और मेरे गृह ग्राम पाडल्या गौली से नांगलवाड़ी शिखर धाम तक लगभग 93 किलोमीटर फिक्स है, 93 किलोमीटर की यात्रा है और पैदल चलकर 5 दिन 6वें दिन पूरी करूँगा। 5 दिन में पूरी हो रही है और 6वें दिन 1 जनवरी 2022 में मैं 5 किलो घी का प्रसादी हलवा कढ़ा करके इस यात्रा का समापन करूँगा और ध्वज चढ़ाऊंगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रामकरण यादव, प्राथमिक शिक्षक, पाडल्या गौली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।